ये जजमान है, हम मतलब इनके जजमान है, ये हमारा गुरु है, फैमिली को ये सुनील जी भाई साहब बताएंगे। जी भाई साहब बोलिए। तो ये लोग अभी खेल के नीचे हैं। तो गाइस देख सकते हो इसके हाथ में ये बोरी है, ये बोरी ये रास्ते में पाया है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीलेश 90 ब्लॉग्स पर। सो गाइस मैं आज गया था महुआ ताकने, और मेरा भैया जो है अभी वहीं पास है, वो अभी और गिरेगा, इसके बाद बीन के पूरा वो घर आ जाएंगे। सो मैं अभी जा रहा हूँ घर बीनवा के, मैं भी आया हूँ। तो सुबह प्यारा सा हो चुका है, देखिए हरा भरा गेहूँ हमारे खेत के, मतलब हमारे खेत के साइड कितना प्यारा प्यारा सा दिख रहा है। ये रहा सूर्य देवता। तो गाइस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मैं मिलता हूँ घर पहुँचने के बाद। तो चलिए चलते हैं, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. सो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ वहाँ क्या बोलते हैं राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने, क्योंकि मेरा नाम कट गया था। मैं शहडोल में रहा करता था तब, मतलब KYC हुआ करता था तब, मैं नहीं आया था तो नाम काट दिए साले, अब क्या ही बोलूँ। सो अभी जा रहे हैं हम नाम जुड़वाने। ये देख सकते हो कितना सारा धूप किया है, और इतना कपार में धूप आ रहा है, क्या ही बोलूँ। अभी तो कम ही है, अगले महीने तक में इतना धूप करेगा कि अब दिन में निकलना तो एकदम क्या ही बोलूँ, इतना धूप रह गया। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मेरा पागल दोस्त है, चिल्लाता रहता है उसके हेम सिंह के जैसे कि आप देखो मेरे घर के पास वो बैठा ही रहता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस देख सकते हो इसके हाथ में ये बोरी ये रास्ते में पाया है। अगर आप यही गांव से हो और आपका बोरी गिर चुका है तो इनसे आके इनके घर में ले लेना। अभी देखो छुपा रहा है, इतना नया मस्त एकदम नया बोरी है एकदम। तो अभी छुपा रहे, आगे जाके दिखाऊंगा। गाइस देख सकते हो ये रहा बोरिया, एकदम नया सा दिख रहा है, सोसाइटी वाले बोरिया है जिसमें धान चावल और गेहूँ रहा करता है। तो देख सकते हो कितना नया है, अगर आपका है तो कमेंट करके बता देना और ले जाना अपने इसके घर से। मैं इसका मेरा पेस बोरिया छोड़ूं थे, इसके पास ना बोरिया है, ये देखो ये पास। मैं अभी आपको दिखाने के लिए रखूंगा, आपको जाके घर में दे दूंगा। तो दे दूंगा मतलब आओगे तब ना दूंगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, और मैं आपको बता दूं कि जिसका लड़कियों का होना तो खा जाएगी। तो जिस काम से हम आए थे वो काम नहीं हुआ, और वो मतलब कहीं गया था तो उसने नींद है तो वो सो गया है साला, क्या ही बोले। अब शाम को आना पड़ेगा फिर से, तो जब तक सेटअप जब तक काम नहीं होगा तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं, क्योंकि बार बार आना जाना पड़ता है, इसलिए एक ही बार बनवा के फिर नया आओ, काम खत्म। सो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, मैं जाता हूँ घर, फिर आपसे मुलाकात करेंगे पता नहीं कब। तो ब्लॉग में बने रहना। 2 घंटा बाद तो ये लोग अभी खेल के नीचे हैं। ये देखो पीछे गोबर वाला होली खेल रही है। गोबर वाला होली, हाँ तो बंद कर दो। हाँ सो गाइस आज पूरा दिन ही ऐसे ही गया, मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाया और घर में ही ऐसे रहा और कहीं बद गया भी नहीं, और इस समय वीडियो इतना खास नहीं हो रहा होगा क्योंकि कहीं आता जाता ही नहीं हूँ। सो आज मैं रुक गया हूँ क्योंकि वो जहाँ मतलब जैसे कि आपको पता है मेरा काम आधा अधूरा रह गया था, तो उसी को अभी जा रहा हूँ पूरा करने। इसके बाद कल ही तो शहडोल चला जाऊँ, कॉलेज भी बहुत दिन से नहीं गया हूँ। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, एंड अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, देख सकते हो कितना मस्त सूर्य देवता अभी अस्त होने वाले हैं। सो अभी हम जा रहे हैं मतलब मेरे दोस्त लोगों का शर्ट पैंट सियाने जो भी है, आज उन लोग पर आज जा रहे हैं तो सिया रहे हैं शर्ट पैंट, तब ना जाएंगे। और मेरे को भी बोल रहे हैं जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को ऐसे शादी वादी में वैसे उतना जाने का मतलब जाने में उतना अच्छा नहीं लगता है। सो देखते हैं क्या होता है, हमारे यहाँ भी आया है निमंत्रण, अगर कोई नहीं जाएगा तो जाना तो पड़ेगा। सो चलिए चलते हैं, आप मुलाकात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, एंड अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक कर देना। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। भाई देख सकते हो यार कितना प्यारा सा ये छुल्ला का फूल दिख रहा है, सीजन में सब कुछ अच्छा ही दिखता है, और फूल तो का मतलब खास कर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा करता है, चाहे जो भी फूल हो।
वाह वेरी नाइस। और आपको मैं बता दूं कि इसी जो छुल्ला पेड़ इसको बोलते हैं आप हमारे यहाँ, इसी को हम काट के जैसे कि इधर देख सकते हो ये काटे हैं, इसके बाद इनको एक एक मतलब आधा आधा टुकड़ा करेंगे, इसके बाद इसको चीरेंगे, फिर इसके बाद सुखवाते हैं, फिर आग लगाते हैं, फिर इसी से खाना पूरा बनाया करते हैं। सो मेरे दोस्त लोग देख सकते हो अभी वो सेल्फी ले रहे थे, इतना क्या ही बोलूँ इनके लिए, जितना भी गाली दूँ उतना बहुत कम है। सो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। एंड अभी देख सकते हो सूरज बिल्कुल भी डूब चुका है, तो इसके आगे अब ब्लॉग थोड़ा मतलब अच्छा सा नहीं आएगा, तो देखते हैं आगे का क्या सीन होता है ब्लॉग में। तो आप तो बिल्कुल भी बने रहना लास्ट तक, और लास्ट तक बने रहना एंड लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सकते हो ये इतना सेल्फी लिया करते हैं बिल्कुल लड़कियों के जैसे, एकदम लड़के ही बन जाते हैं सेल्फी लेते लेते। अब क्या बोलूं यार, क्या बोले यार, इतना धक्का किसको दिया बे, दे बोलेगा धक्का किसको दिया, तेरा बे तेरा बोलूं धक्का किसको दिया, धक्का तुझे दिया, क्या कर लेगा, क्यों दिया, क्या कर लेगा। तो गाइस देख सकते हो ये जो हमारे मतलब मेरे बगल के घर के दोस्त हैं बहुत ही अच्छे हैं, और इसी इनका तारीफ करते हुए इनसे कुछ पूछते हैं, तो बता दो कुछ। नहीं सुनील साहब से पूछिए, हमारे जनता को कुछ बता दो, मतलब YouTube फैमिली को। ये सुनील जी भाई साहब बताएंगे, बताना जी भाई साहब बोलिए। नहीं बोलूंगा, बता तो मार। अरे मैं तो बोलता ही रहे, तो कुछ तो बोलो। नहीं बोलवा पंडित के, नहीं नहीं तुम भाई साहब को बोलिए अंकल जी। अरे लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दो यार, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कमेंट करो, और लास्ट में हाँ, और जय श्री महाकाल लिख देना गाइस। महाकाल हाँ, जय जय श्री राधे राधे, जय जय जोहार, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। और ये देख सकते हो ये हाथ में मेरा ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये सब मरवा डाला, ये सब होली होली खेलने का नतीजा है, ऐसा ही हमारे यहाँ होता है। मैं आज बारात जाने वाला हूँ, ये पकड़ दिया, ये पोत दिया, बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ, अब मैं क्या ही बोलूं। इतना आज होली खेली, वैसे होली तो अभी इस टाइम पे पूरा बंद ही हो गया लगभग, मेरा तो मन किया इन दोनों का गला घूंट दूं। अच्छा कथा कौन सुनाएगा, मतलब कथा कौन सुनेगा, हम तो सुनने वाले हैं, तू सुनाने वाला है, पंडित सब जाए भाई। हाँ तो हमारे गांव का, हमारे घर घर के पास का फेमस पंडित है गाइस, आप याद रखे रहना। ये जजमान है, हम मतलब इनके जजमान है, ये हमारा गुरु है, हम इनका शिष्य हैं, हम जजमान हैं, ये हमारा गुरु है महाराज। तो जी महाराज कुछ बोलिए, जिसको कथा सुनाना हो तो इसे संपर्क करें, और कुछ डिस्काउंट मारता है 50 रुपए का डिस्काउंट। नंबर लिखिए, ये आ गए भैया साहब, नंबर लिखिए, ये अभी मेरा दोस्त है, ये अभी मेरा दोस्त है, तो मिलते थोड़ी देर बाद। रात हो जाएगा, फिर शाम हो चुका है, तो आगे का ब्लॉग आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे का ब्लॉग शायद ही नहीं बनेगा, तो अगर बनेगा तो ब्लॉग में बने रहना, एंड नहीं बनेगा तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो देखते हैं क्या होता है, तो चलते हैं। तो चलते हैं गाइस। 2 hours later